हरियाणा पब्लिक देखने वाले सारे दर्शकों ने दिलबाग ग्रोवर की राम राम। तो दोस्तों आप इस टाइम मौजूद हैं राजौंद कर्ण सिंह वाल्मीकि का जो चुनाव कार्यालय है उसमें पहुंचे हैं और यहां उसके जो समर्थक हैं वहाँ बैठे हैं, उनसे बातचीत करांगे। तो कर्ण सिंह वाल्मीकि का जो रुझान है कैसा है, जीतने के कितने चांस है? तो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी। तो जो अपना कैंडिडेट है कर्ण सिंह वाल्मीकि, जो और भी कई कैंडिडेट खड़े हैं, तो इनका कितना जोर लग रहा है, कितना जीतने के चांस कितने ज्यादा हैं? देखो जी, हमारा वाल्मीकि समाज का, संपूर्ण समाज का कैंडिडेट है कर्ण सिंह वाल्मीकि, और हमने तो पूरा खून पसीना बहा के एक नंबर पे लिया रखा है। अच्छा। उसको कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे कमलेश डांडा हो या बीजेपी का पूरा सिस्टम यहाँ उतार रखा है कर्ण सिंह वाल्मीकि को हराने के लिए, लेकिन हमारे मानने वाले नहीं है, हमारा तो एक नंबर का सिस्टम है फिलहाल। जो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है वह आजकल देखा जा रहा है राजौंद में है, उसका जो अपना राजौंद का चुनाव है उस पर कुछ असर पड़ेगा? नहीं जी, कोई असर नहीं है उनका, वो बाहर के आदमी है, ना ही उनकी कोई यहाँ पैठ है, ना ही वो कर्ण सिंह वाल्मीकि को ला सकते हैं 1% भी। तो देखा जा रहा है, बताया जा रहा है अपने कल जो यात्रा निकाली थी इन्होंने, रैली निकाली थी, उसमें जो बंदे थे वह ज़्यादातर बाहर के भी बताए जा रहे हैं, राजौंद के भी। तो उसमें जितने बंदे थे, मान ले हज़ारों की संख्या में बताए जा रहे हैं, तो राजौंद के कितने थे और बाहर के कितने आपने लगे उसमें? उसमें सिर्फ राजपूतों की तादाद थी, हरिजन समाज का 10-20 आदमी थे, हमारे पर कोई असर नहीं है उनका। और जो बाहर के भी बता रहे हो आप, वो भी थे या सभी राजौंद के? वो तो चले हैं जी बाहर के तो। अच्छा। हाँ, वो तो सब 50% बाहर के आदमी थे उनमें। तो आपने लगा है भाई कर्ण सिंह है जो जीत जगह? हाँ जी, 100% बल्कि 120% जीत लेके चल रहे हैं हम तो। और इनकी टक्कर में कौन लगा आपने? हम तो पहला नंबर पे जी, बाकी तो बाद में है, हमने कोई मतलब नहीं है उनकी टक्कर से। चलो अगर कर्ण सिंह जीत जाए तो राजौंद का विकास में कितना योगदान आप करवा सको, क्योंकि आप भी बड़े बुजुर्ग हो? वो 100 का 100 योगदान रहेगा जी राजौंद के विकास में आने वाले टाइम में। यूँ कहेंगे लोग भाई वाल्मीकि पे एक बार चेयरमैन नहीं आई थी, और भाई सबसे अच्छा समय वो था, बाकी तो वैसे निकल गया। तो जो अपना वाल्मीकि समाज है इसमें तो और कितने कैंडिडेट खड़े हैं? एक कैंडिडेट हो रहा है। अच्छा। बस ठीक है जी, उसका कोई रुझान नहीं है। क्यों उसका गिला? यानी कि आप कह रहे थे भाई जो वाल्मीकि समाज है सारा कर्ण सिंह वाल्मीकि गिला है? हाँ, 90% कर्ण सिंह के साथ है, 10% उसके साथ है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो और भी अपने नौजवान साथी बैठे हैं भाई साहब, इन तक बातचीत करेंगे भाई। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। तो जो कर्ण सिंह वाल्मीकि है कैसा माहौल है इनका राजौंद में? सबसे बढ़िया माहौल है भाई साहब, अभी तक हमारे जो चेयरमैन है कर्ण सिंह वाल्मीकि वो एक नंबर पे चल रहे हैं और एक नंबर पे रखेंगे भाई साहब, हमारा पूरा 100% समर्थन है, और भाई कर्ण सिंह वाल्मीकि को जिता के लाएंगे। और आने वाले दौर में ये कहना है कि जो वाल्मीकि चेयरमैन का समय था वो सबसे बढ़िया दौर था, सबसे बेस्ट समय था भाई साहब। तो आज जो चुनाव प्रचार बंद हो गया है, तो आपने जो चुनाव प्रचार के दौरान लोगों तक मिले, तो कितना लोगों का जो समर्थन कितना का मिला आपने? बस आप फुल सपोर्ट है सभी बरादरी की, सभी छत्ती बरादरी की, हमारे को फुल सपोर्ट है, 100% ये कहेगा भी कर्ण सिंह वाल्मीकि को वोट है। कर्ण वाल्मीकि जिंदाबाद, कर्ण वाल्मीकि जिंदाबाद, कर्ण वाल्मीकि जिंदाबाद। तो अपने साथ किरणपाल आर्य जी भी बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। राम राम भाई साहब। नमस्कार भाई जी, पहले तो आपका हमारे कर्ण भाई वाल्मीकि के ऑफिस में पहुंचने में स्वागत है, और हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आपने कितना चांस लगाया भाई कर्ण है जो जीत जाएगा? दिलबाग जी, ऐसा है हमारा जो कर्ण वाल्मीकि को पूरा गांव ने दिल से समर्थन है, 36 बरादरी मतलब चाहती है भी कर्ण वाल्मीकि को ही चेयरमैन बनाए, उसका भी कारण है क्योंकि हमारा हक है, ये SC की सीट है इसलिए। और जो हमारे कर्ण वाल्मीकि हैं मतलब ईमानदार और कर्मठ, ये तो इलेक्शन के टाइम सारे ही ईमानदार और कर्मठ हो जाते हैं, पर इसमें जो वो सभी गुण हैं जो आगे जाके मतलब अपनी लड़ाई लड़ सकता है, कोई भी आज तक किसी भी चेयरमैन प्रत्याशी ने लाइव आकर किसी ने भी अपना इंटरव्यू पत्रकार को या किसी को नहीं दिया, कर्ण वाल्मीकि लगातार उसी दिन से हर पत्रकार से जो श्रीमती कमलेश डांडा जी है उसके विरोध में प्रचार कर रहा है और अपने गांव की स्थिति दिखा रहा है। आज कमलेश डांडा गांव में फिर रही है, किसी भी हर मंत्री को लेके आ रही है, उसको देख रहा है, उसको पसीने छूट रहे हैं। आज से पहले कहां थी कमलेश डांडा, हमारे गांव की दुर्दशा देखते आपको, आज जो बारिश हुई है नहीं,
छिट मिट बारिश हुई है उसमें भी हमारी सड़क की खस्ता हालत है। हमारे स्कूल दो साल लॉकडाउन लगा रहा, अगर वो चाहती तो बॉयज स्कूल कब का बनकर तैयार हो जाता। सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ, कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ किसी के जो एक उंगली पे भी चोट लग जाती है नहीं रेफर कर देते हैं कैथल के लिए। ठीक है, हमारा जो डांगरों का हॉस्पिटल है इतनी दानीय स्थिति है कि पूछो मत। कभी टाइम था कि हमारे यहाँ आसपास के जो बस्तियाँ गुआंड पड़ते हैं, जैसे बांगड़ हो गया, सिरदा हो गया, नरुल होगा, तो यही राज होना होते थे। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हमें सिरदे से डांगरों की पशुओं की दवाई लेके आनी पड़ती है। अब ये नहीं कहते भी वहाँ में क्यों जाना पड़ता है, हमारा यहाँ सुविधा नहीं है इसलिए ना, यहाँ डॉक्टर है कोई बढ़िया। और गांव की तो ये पूछो ना, मतलब जो गांव की ये इस टाइम खस्ता हालत है ना, सिर्फ बीजेपी का कारण है। अब ये घोषणा करती है अभी मैं 100 करोड़ दे दूंगी, 3 साल पहले कहाँ थी वो 100 करोड़ रुपये जो अभी तक दिया, आज तक उनका नहीं। इतने भ्रष्टाचार के इस पर आरोप लगते हैं। हमारा पूरा समाज वाल्मीकि समाज कर्ण के साथ है, और जितने भी 36 बरादरी हैं, कश्यप समाज, सैन समाज, पंचाल समाज, राजपूत, कुछ लोग कहते हैं राजपूत समाज हमें नहीं वोट नहीं देता, राजपूत समाज हमें पूरे दिल से वोट दे रहा है। वो देख रहा है अभी, हाँ लड़का जुजारू है, मेहनती है, काम करता है, कोई भी आज तक अपना खुल के समर्थन या मतलब लाइव पत्रकार से बात नहीं कर सका जो करण वाल्मीकि। किसी टाइम भी आप छायाकार हो, पत्रकार हो, किसी टाइम भी आप उसका इंटरव्यू ले सकते हो। तो मंत्री जी को है कि भाई अगर जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो यहाँ तक जीतता है तो 100 करोड़ रुपए राजोन्मय विकास कार्य में लगाए जाएंगे, इसका बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, 3-4 साल हो गए, 3 साल लगभग हो गए यहाँ कमलेश डांडा हर रोज घर घर गली 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 घर घर तो फिर ही नहीं, अब फिर रही है जो 100 करोड़ की बात कर रही है ना वो, और जो 3 साल हो गए वो कहाँ, आज तक 10 करोड़ तो लगे भी नहीं हमारे गाँव में, वो 100 करोड़ की बातें करती है। और जो ये चीजें हैं ना, इसमें तो हम कोशिश करेंगे कि चुनाव आयोग में जाएंगे। अब वो मतलब भी कहती है हमारा अभी जो बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा हम गांव में 100 करोड़ का विकास कार्य करेंगे। 3 साल से कहाँ गए वो विकास कार्य है, 2 साल हो गए हमारे यहाँ गर्ल्स कॉलेज आया हुआ, आज तक वो उसकी नींव नहीं रख सकी, तो ये 100 करोड़ कहाँ से लेके आएगी, कहाँ लगाएगी वो, आज तक 10 करोड़ का तो हमारा यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा। शिविरों का बोलती है अभी, शिविर का हर महीने का आते, अभी 10 तारीख से काम चलेगा, 5 तारीख से काम चलेगा। ये एक जो है मतलब झूठे वादे हैं, सबसे झूठी सरकार है बीजेपी सरकार। तो जैसे तुषार डांडा भी वोट मांगने आते हैं यहाँ पे, और भी बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं छोटे से लेके बड़ा तक, सभी ने अपने यहाँ पर लगभग पैर जमाए हुए हैं चुनाव जब से यहाँ प्रचार चला हुआ है, तो उनका कितना असर पड़ेगा यहाँ चुनाव पे? ऐसा है जी, हमारे ऊपर कोई असर नहीं है ना, हमारे तुषार डांडा हमारी गली में नहीं बड़ा अभी तक, बड़ा था हमने उसका विरोध किया पूरे ऐसी समाज ने, और ना ही बड़ा एक ही गली में गया तो भी इसका उसने अपने हाथ जोड़ के पैंडा सटवाया, लाइव चलता अभी भी उसके देख सकते हैं आप, किसी भी बस्ती में नहीं गया। अब तुषार डांडा आता है, पहले कहाँ था, पहले नहीं हमें दिक्कत था, और अब वो कैसे कहता है अभी मैं भी किस वेस पे टिकट वोट मांग रहा है लोगों से, किसके लिए वोट मांग रहा है वो, बीसी समाज, हम ये नहीं कहते भी बीसी समाज कोई मतलब बीसी समाज बुरा है, वो कमी ये गलती सरकार की है ना कि बीसी समाज की, वो उसने उसको टिकट दे दी क्यों, ऐसी समाज में कैंडिडेट नहीं थे, ऐसी समाज में हमारे पास जो हमारे सुशील एमसी पार्षद थे वो थे, राम कुमार थे, हमारे ऐसे समाज में से मेसु हरमेश उर्फ मेसु कह देते हैं उसको, वो भी थे, उनको ना मान सम्मान देकर उन्होंने एक बीसी समाज को मतलब टिकट दे दी। और कमलेश डांडा जी ने अपने मुख से बोला भी है भी मैंने प्रजापत समाज को टिकट दी है, बीसी समाज को टिकट दी है, तो ये तो हमारे साथ सर हम दिखता है धोखा हो रहा है, एससी को तो उन्होंने नकार दिया, बीसी को टिकट दे दी, और ये बोलते हैं कि भी हमारा इसमें रिजर्वेशन कहाँ रह गया हमारा, बीसी को दे दी उन्होंने। तो जो तुषार डांडा का विरोध किया गया था वो उसका विरोध करने का क्या कारण था? उसका विरोध करने का मेन कारण यही था कि जो हमारा आरक्षित सीट थी वो बीसी समाज को दे दी, इसलिए हमने उनका विरोध किया था। और पहले भी कुछ नहीं है हमारे गांव में बीजेपी का, और अभी भी कुछ नहीं है, और आगे आने वाले टाइम में बीजेपी ने अपना यहाँ से सब कुछ खो लिया है, तो हमारे तो पूरे गांव का मतलब हम ये सोचते हैं कि दुर्भाग्य है बीजेपी ने इसको टिकट दे दी, और हम बीजेपी का जोर शोर से विरोध करते हैं, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। तो धन्यवाद सर। धन्यवाद जी आपका। तो तय मिलवाया जो कर्ण सिंह वाल्मीकि के समर्थक थे उनका बातचीत करी है, उनका मन में जो सवाल थे जवाब थे मैं आपके सामने पेश करे हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लियो। धन्यवाद दोस्तों।